एवरीवन, आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपति पप्पा हर साल हम सब के परिवार में ढेर सारी खुशियां लेकर आते रहें और हम बहुत ही प्यार से धूमधाम से इनका स्वागत करते रहें। हम पर इनका आशीर्वाद बस इसी तरह से हमेशा बना रहे। इसी मनोकामना के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, आज 7 सितंबर है, गणेश चतुर्थी है। आज गणेश जी की, गणपति जी की स्थापना करनी होती है हमें, जो भी लोग करना चाहते हैं। तो मैं भी पिछले 3 साल से गणपति जी की स्थापना करती हूँ अपने घर में। तो कल ही लेके आई थी मैं गणपति जी की प्रतिमा। जब हम इनकी प्रतिमा लेकर आते हैं तो इनका चेहरा हम नहीं देखते हैं, लाल रंग के कपड़े में ढक कर लाते हैं, और जब इनकी स्थापना करते हैं तभी इनके चेहरे से वो कपड़ा हटाया जाता है और इनका चेहरा देखा जाता है। तो बस ये मॉर्निंग से ही ब्लॉग शुरू हो रहा है। सुबह रात को मैंने डेकोरेशन का तो सारा काम कर दिया था, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठकर फिर स्थापना करनी थी। इनकी स्थापना की, इनके चेहरे से कपड़ा हटाया और इनका इतना खूबसूरत सा चेहरा देखकर मन इतना मोहित हो जाता है। तो सबसे पहले चावल का आसन देखकर गणपति जी की स्थापना की, उसके बाद कलश की स्थापना करनी होती है। कलश में हम सबसे पहले गंगा जल लेते हैं, उसके साथ बाद साफ जल लेते हैं, उसमें दूर्वा घास डालते हैं, रोली डालते हैं, सुपारी, हल्दी और एक सिक्का डाला जाता है। उसके बाद आम के पत्ते लगाए जाते हैं और उसके बाद जटा वाला नारियल लेकर उस पर मोली और रोली बांधकर नारियल के ऊपर रखकर कलश स्थापित किया जाता है। और इसके बाद चावल का आसन देकर सुपारी को रिद्धि माँ और सिद्धि माँ, जो कि गणेश भगवान जी की धर्मपत्नी हैं, उनका स्वरूप माना जाता है, और इन्हें भी फिर मोली अर्पित की जाती है, जिन्हें कि हम वस्त्र मानते हैं कि हम वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद तिलक किया जाता है। और एक चीज़ और, जिन गणपति जी की, जिन गणेश भगवान जी की प्रतिमा की हम रोज़ अपने मंदिर में पूजा करते हैं, उनको भी साथ में बिठाना बहुत ज़रूरी है, उनकी पूजा भी ज़रूर की जाती है इसके बाद। और जनेऊ चढ़ाया जाता है, दोनों ही प्रतिमाओं को आप चढ़ाएंगे, जो कि आप लेके आए हैं उन्हें भी, और जो आप घर में जिनकी पूजा करते हैं डेली, उन्हें भी जनेऊ चढ़ाया जाता है। और उसके बाद जो भी भेंट स्वरूप आप गणपति जी के लिए लेकर आए हैं, फूल माला है, वस्त्र है, आभूषण है, जो भी आप लेके आए हैं, वो सब आपको गणपति जी की प्रतिमा पर अर्पित करना होता है। और अगर आप वस्त्र नहीं लेके आए, नहीं आप चढ़ा सकते, तो आप कलावा भी वस्त्र के रूप में चढ़ा सकते हैं भगवान को। गणपति जी के साथ साथ रिद्धिमा और सिद्धिमा को भी वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ाया जाता है और तिलक लगाया जाता है। और गणपति बप्पा की पूजा में सबसे ज़रूरी चीज़ है दूर्वा घास। दूर्वा घास के बिना गणपति महाराज की पूजा कंप्लीट नहीं होती है। जिस तरह से कान्हा जी की, लड्डू गोपाल जी की पूजा में तुलसी ज़रूरी होती है, इसी तरह से गणपति भगवान की पूजा में दूर्वा घास बहुत ज़रूरी होती है। और फिर आप फूल माला चढ़ाइए, जो भी आप भोग लेके आए हैं, जो भी भोग चढ़ाना चाहते हैं, फल हैं, फ्रूट्स हैं, मोदक है या मोदक नहीं है तो लड्डू हैं, मिठाई है, जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार आप चढ़ाना चाहते हैं, वो सब आप भेंट चढ़ाइए भगवान को, भोग लगाइए, ज्योत बत्ती कीजिए, आरती कीजिए। और हाँ, आप चाहें तो गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जो भी पाठ आप गणेश भगवान के करना चाहते हैं वो सब पाठ भी कर सकते हैं। मैं तो गणेश भगवान की चालीसा पढ़ती हूँ, तो मैंने वही पढ़ी और उसके बाद कपूर से गणपति महाराज की आरती की। और हाँ, एक चीज़ और, गणपति जी की स्थापना आप कितने दिन के लिए कर रहे हैं, वो भी पहले ही दिन गणपति महाराज के आगे बोलना होता है। कुछ लोग एक दिन के लिए करते हैं, कुछ लोग 3 दिन के लिए करते हैं, कुछ 7 दिन के लिए करते हैं। जितनी भी आपकी श्रद्धा है, जितने दिन के लिए भी आप स्थापित करना चाहते हैं, वो आपको गणपति महाराज के आगे बोलना होता है कि हे प्रभु, हम आपकी 1 दिन के लिए स्थापना करना चाहते हैं।
तो इस तरह से मेरे गणपति बप्पा घर पर आ गए। इनकी बहुत ही अच्छे से प्यार से स्थापना हो गई। बस गणपति बप्पा हम सब पर अपना आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखें, मंगल मूर्ति हमारे सब काम पूर्ण करें। तो ये आज का छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आपके साथ एक और वीडियो में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और गणपति बप्पा मोरिया।